हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन. वेलकम यू ऑल हेयर. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 7th की सिविक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड. और इसमें हम 2 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3. यूनिट 3 का क्या नाम है? जेंडर. और इसका हम पढ़ेंगे चैप्टर 4. चैप्टर 4 का क्या नाम है? ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी जब बॉयज़ एंड गर्ल्स बड़े होते हैं तो उनके साथ में किस तरीके का बिहेव किया जाता है, कैसे उनकी ग्रोइंग अप होती है. इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, यानी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद एक आइलैंड कंट्री है समोआ, उसके बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पर 1920s में किस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स की परवरिश होती थी. उसके बाद हम अपनी कंट्री का ही एग्जाम्पल लेंगे, जो एक स्टेट है मध्य प्रदेश. 1960s में हम उसका देखेंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हाउस वर्क है उसको कितनी वैल्यू दी जाती है और कितनी नहीं दी जाती. उसके बाद जानेंगे कि जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, घरों में काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, और जो वुमेन का काम है क्या उसको इक्वल माना जाता है या नहीं माना जाता है. ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. ओके, तो अभी फ्रेंड, जैसे आपको पता होगा कि बीइंग अ बॉय और अ गर्ल, यानी बॉय होना या गर्ल होना, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है. यानी उसकी पहचान ही ये होती है सबसे पहले कि वो बॉय है या फिर वो गर्ल है. और जैसे जैसे हम सोसाइटी में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बिहेव कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गर्ल्स के लिए एक्सेप्टेबल हैं और बॉयज़ के लिए एक्सेप्टेबल हैं, और बॉयज़ को क्या नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को क्या नहीं करना चाहिए. ये सब हमें सोसाइटी सिखाती है. और बहुत सारी सोसाइटी ऐसी हैं जो मेन और वीमेन के काम को डिफरेंटली वैल्यू करती है, यानी वीमेन के काम को कम वैल्यू दी जाती है या मेन के काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे, और वो एग्ज़ाम्पल है समोआ आइलैंड का. और समोआ आइलैंड मतलब हम यहाँ पे 1920s की बात करेंगे. तो जो समोआ आइलैंड है, ये एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत बड़े ग्रुप का, यानी बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं समोआ आइलैंड, ठीक है. तो यहाँ पे एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, यहाँ पर यहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर से ही सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं. जैसे बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, घर के काम कैसे करने हैं, और फिशिंग कैसे की जाती है. तो ये सब चीज़ें वो क्या करते हैं, अपने से बड़े लोगों से सीखते हैं. जब लड़के जो हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, लगभग 9 ईयर्स के, यानी 9 साल के जब वो हो जाते हैं, तो वो बड़े लड़कों को ज्वाइन कर लेते हैं. जो ओल्डर बॉयज़ होते हैं उनको ये ज्वाइन कर लेते हैं और आउटडोर जॉब्स पर जाते हैं, मतलब बाहर की जो काम होते हैं उन पर जाते हैं, जैसे फ़िशिंग करना या कोकोनट को प्लांट करना, ये सब चीज़ें वो सीखने लगते हैं. गर्ल्स की जो 14 ईयर्स की एज जब कंप्लीट हो जाती है तो वो भी फ़िशिंग ट्रिप पर जाने लगती हैं, यानी वो भी फ़िशिंग वगैरह सीखती हैं. इसके अलावा वो प्लांटेशन में काम करना शुरू करती हैं, वो ये सीखती हैं कि किस तरीके से बास्केट बनाई जाती है, यानी ये भी चीज़ें वो सीखना शुरू कर देती हैं. और वहाँ पर बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, यानी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा काम करें, जबकि गर्ल्स जो हैं वहाँ पर सिर्फ उनको हेल्प करती हैं प्रिपरेशन में. ओके, तो इस तरीके की वहाँ की सोसाइटी थी. अब हम थोड़ा देखते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलेंगे मध्य प्रदेश का. 1960s की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो बड़े होते हैं. तो क्लास 6 से ही क्या करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनके स्कूल्स को सेपरेट कर दिया जाता है, यानी बॉयज़ का स्कूल अलग होगा और गर्ल्स का स्कूल अलग होगा. और जो गर्ल्स के स्कूल होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो बिल्कुल बॉयज़ के स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं. डिज़ाइन कैसे होंगे कि वो उनके, जैसे ये स्कूल है तो स्कूल के आसपास बहुत बड़ी सी मतलब दीवारें लगी होंगी और पूरा कोर्टयार्ड होगा, पूरा प्लेग्राउंड वगैरह सब चीज़ें, मतलब पूरा कवर्ड होगा ये वाला एरिया स्कूल जो होगा, ठीक है. लेकिन बॉयज़ होते हैं उनका स्कूल बिल्कुल भी कवर नहीं होता, पूरा खुला रहता है, कोई दीवारें नहीं होती हैं, चारों तरफ बस प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड होता है. तो इस तरीके की वहाँ पर स्कूल की डिज़ाइन होती हैं. एक बार जब स्कूल ओवर हो जाता है तो गर्ल्स जो हैं वो तो ग्रुप में घर जाती हैं, और क्योंकि शायद उनको ये डर होता है कि उनको टीज़ किया जाएगा, उनके ऊपर अटैक हो सकता है, इसीलिए वो हमेशा ग्रुप में जाना प्रेफर करती हैं. और जो बॉयज़ हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो अपने आप मतलब आराम से इंडिविजुअली वो जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के साथ वहाँ पर ऐसा नहीं था. तो हम कुछ
डिफरेंस देखते हैं अपने यहाँ पे सोसाइटी में, हम क्या देखते हैं, और ये बहुत ही यंग एज से शुरू होते हैं ये वाले डिफरेंसेस जो होते हैं. अब डिफरेंसेस क्या होते हैं कि बॉयज़ जो होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि वो टफ़ रहें और सीरियस रहें, और जबकि गर्ल्स को सिखाया जाता है कि वो सॉफ्ट रहें और बहुत ज़्यादा माइल्ड रहें. बॉयज़ को डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ दिए जाते हैं. टॉयज़ कैसे, जैसे उनको गन दी जाएगी, कार दी जाएगी. और गर्ल्स को कैसे टॉयज़ दिए जाएंगे, उनको डॉल्स यानी गुड़िया से खेलने को दिया जाएगा. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया कि बॉयज़ जो हैं वो अलग हैं और गर्ल्स जो हैं अलग हैं. और ये बहुत ही यंग एज से चीज़ें शुरू हो जाती हैं और उनके दिमाग में ये चीज़ भर जाती है बच्चों के कि हम जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं. इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी होती हैं जो मेन और विमेन को डिफरेंटली वैल्यू करती हैं, यानी मेन को कहीं पे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, विमेन को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती. विमेन जो होती हैं वो घर के नॉर्मली सारे के सारे काम करती हैं और उनके काम को लेस वैल्यू किया जाता है. उनको लगता है कि जो विमेन का काम होता है वो ज़्यादा खास नहीं होता, वो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता, इसलिए उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती. इसके अलावा क्योंकि घर के काम के लिए सैलरी भी नहीं मिलती है, इसीलिए भी उस काम को कम वैल्यू दी जाती है. और इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है दोनों को, यानी मेन को और वीमेन को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता. और ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत कह सकते हो एक गलत पॉइंट है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है. अब हम थोड़ा देखते हैं हाउस वर्क के बारे में, जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं ना, घरों के जो काम होते हैं उसको कितनी वैल्यू दी जाती है. तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर यही है कि जो घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या केयर गिविंग टास्क होंगे, यानी केयर करने वाले टास्क होंगे, या फैमिली को देखना, उसकी देखरेख करना और स्पेशली बच्चों की देखरेख करना, या फिर जो घर में बड़े हैं या जो बीमार आदमी हैं, बीमार मेंबर्स हैं, वो सब जो हैं वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मानी जाती है कि विमेन का नेचुरल काम है, कि विमेन को ही ये काम करने चाहिए क्योंकि वो इस काम को अच्छे से कर सकती है. और यहाँ तक कि उसके काम को, यानी विमेन जो है उसके काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, पहचान ही नहीं दी जाती, कि उनको लगता है कि जो विमेन काम करती है वो ज़्यादा मेहनत का काम तो होता नहीं है और ना ही सैलरी मिलती है, इसीलिए उसको एज अ वर्क तो माना ही नहीं जाता कि ये कोई काम है. उसको तो बोलते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली उसके अंदर होनी ही चाहिए, एक लड़की को, एक विमेन को ये चीज़ सीखनी ही चाहिए. और देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो विमेन के अंदर नेचुरली होनी चाहिए और उसको सीखनी चाहिए. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसको घर का काम करना आता है. और दूसरी चीज़ ये है कि उसको नेचुरली ये चीज़ें आनी चाहिए, तो इसके लिए पेड करने की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब पेमेंट की ज़रूरत है, सैलरी की ज़रूरत है ही नहीं. और इसी वजह से, क्योंकि अब उसके लिए कुछ पैसा तो मिलता नहीं है, तो सोसाइटी क्या करती है, उस काम को डी वैल्यू करना शुरू कर देती है. ओके, और इसीलिए विमेन के काम को ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता. और अब हम थोड़ा देखते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उनकी लाइफ कैसी होती है. ओके, तो हाउस वर्क जो है उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, उसमें बहुत हैवी टास्क होते हैं, बहुत फिज़िकल वर्क उसमें करना पड़ता है. टास्क कौन कौन से, जैसे कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, और जो लोड है मतलब भारी जो है उसको कैरी करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये फिज़िकल वर्क में आती हैं और ये बहुत थका देने वाले काम होते हैं. बहुत सारी चीज़ें जैसे कुकिंग हो गया, कुकिंग में घंटों खड़े रहना पड़ता है एक हॉट स्टोव के सामने, तो ये कोई इजी टास्क तो नहीं होता. इसके अलावा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. अगर हम विमेन को बाहर के काम भी दे दें, वैसे वो गांव में जैसे होता है ना, बाहर के सारे काम करना, फील्ड के काम देखना, वो सब काम वो करती हैं, तो एक तो वो घर के काम करती हैं और वो बाहर के काम भी करती हैं, तो ज़्यादातर टाइम जो होता है विमेन का वो काम करने में ही निकलता है और उनको आराम का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, या फिर उनको बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है. और लेकिन तब भी उनके काम को वैल्यू नहीं किया जाता, क्योंकि फिर वही बात, क्योंकि उनको उस चीज़ के लिए सैलरी नहीं मिलती है. थोड़ा जो विमेन बाहर जाके काम करना स्टार्ट कर देती हैं उनको सैलरी मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि एक पर्टिकुलर काम है, वो काम, सेम काम एक मैन भी कर रहा है और सेम काम एक विमेन भी कर रही है, लेकिन उस सेम वर्क के लिए मैन को ज़्यादा सैलरी दी जाती है और विमेन को कम दी जाती है. ये भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, तो थोड़ा हम देखते हैं विमेन का काम और उसकी इक्वालिटी के बारे में कि कितना उसको इक्वल माना जाता है. बहुत सारी विमेन जो होती हैं वो अब घर के अंदर भी काम करती हैं
और घर के बाहर का काम भी वो संभालती हैं, तो इससे क्या हो गया, उनके ऊपर डबल बर्डन आ गया। ठीक है, और ये तो पता ही है, हमने ये चीज़ बहुत बार डिस्कस की है फ्रेंड्स, कि इक्वालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वालिटी का दर्जा दिया गया है, चाहे फिर वो मेल हो या फिर फीमेल हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है, रियलिटी में ये इक्वलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और मतलब जो जेंडर्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किए जाते हैं, और इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोविज़न बनाने पड़ेंगे फीमेल के फेवर में, और जो पीपल हैं उनको भी अपनी थोड़ी सी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी ये जो डिफरेंस हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो चुका है ये डिफरेंस ख़त्म हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो चुका है मेन का और विमेन का, इन दोनों को एक दूसरे से अलग माना जाता है, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है क्राइम का भी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही दोनों को सिखाया जाता है कि दोनों क्या हैं, अलग हैं, और उनको अलग अलग रखा जाता है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान नहीं पाते हैं, और यहाँ पर विमेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्राइम होने लगते हैं, उनको एलियन समझा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कर्ज कह सकते हैं सोसाइटी के लिए। और अगर इसको ख़त्म करना है तो बस एक ही तरीका है कि सोच को बदला जाए और गवर्नमेंट भी इस चीज़ में, इस फील्ड में कुछ इनिशिएटिव्स ले। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो गवर्नमेंट ने कंट्री में, हमारी, आपको पता होगा हमारी कंट्री में बहुत सारे गांव हैं, तो वहाँ पर आंगनवाड़ी खोली है। ठीक है, आंगनवाड़ी का मतलब क्या है, चाइल्ड केयर सेंटर, जहाँ पर बच्चों का, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉ पास किए हैं जो वुमेन के फेवर में हैं, जैसे किसी भी अगर कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वुमेन से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पर क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। क्रेच फैसिलिटी क्या होता है, बच्चों को जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पर पूरी सुविधा उन बच्चों को दी जाती है, पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है, जिससे मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उनको टेंशन नहीं रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वुमेन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पर क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करना कंपलसरी है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी रूल बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो स्कूल अटेंड करें। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन बनाए, जैसे कि अगर गर्ल्स का स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, स्कूलों में बहुत ज़्यादा गर्ल्स ने आना स्टार्ट कर दिया है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है, और सोसाइटी में डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर चैप्टर को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको कोई डाउट आता है तो उस डाउट को आप कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बता रहे हैं जिस पे आप अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं, और हम आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हैं, आप फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @सिविल सेक्शन, आप अपने डाउट्स हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस देखने के बाद में कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आपके सजेशंस को वेलकम किया जाएगा, और अगर हमें सही लगेंगे तो हम अपने आने वाले वीडियोस में उनको ज़रूर शामिल करेंगे। और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।